देव्यो मिस्टिका मेडिटेशन का ये अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव बस इस वक्त का, अन्यथा ये सिलसिला अनंत है। ये सिलसिला शुरू होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहेगा। जो जो चीज़ें घटी हैं, जो समझ घटी है सबके भीतर इन दिनों में, उस सब का अपना असर धीरे धीरे सबके जीवन में आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आज नौवीं रात में हम नौवें तत्व में आते हैं, जिसको परा तत्व कहते हैं। अब इसको बिल्कुल ठीक से सुने, जो पूरा कंसेप्ट की थीम रहा, गीता के सातवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृतिर धष्टा अपरेव मितस्तन्वा प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार आठ प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है। आठ प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी प्रकृति जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वो मेरी पराचेतना नौवां तत्व वो है। उस नौवें तत्व में ये आठों तत्व धारण किए जाते हैं। परा अर्थात ट्रांसेंडेंटल, उस पार का। जीवन में कुछ है जो शाश्वत है, जीवन में कुछ है जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील की पृष्ठभूमि पर परिवर्तनशील का सारा कार्य व्यापार चलता है, और जो शाश्वत है उस शाश्वत के आकाश में तमाम क्षणभंगुर चीज़ें घटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। तो जिसे ये नौवां तत्व कहा जा रहा है वो परा प्रकृति है। परा यानी ट्रांसेंडेंटल नेचर, आदिशक्ति का मौलिक रूप, आदिशक्ति का अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड रूप, जहाँ पर संभावना के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में सारी चीज़ें सोई हुई हैं। यानी कि जो भी आठों तत्वों की संभावना है वो इस नौवें तत्व की पृष्ठभूमि में सोई हुई है, शामिल है। वहाँ से फिर कुछ हलचल होगी, लहरें उठेंगी और ये आठों तत्व सक्रिय होंगे। ये अपरा प्रकृति बार बार रची जाएगी, ये खेल यूं ही चलता रहेगा। इस परा प्रकृति को हम अपना सोर्स भी कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं, जो हमारा सोर्स है। सोर्स क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। अब इसको समझने के लिए ये चीज़ समझें कि जो कुछ भी है इस जगत में वो चेतना ही है। तो आठों तत्व जो उससे निकले हैं मौलिक रूप में, वो परा चेतना ही है जो अपरा बनती, यानी कि जो सीमाओं में घिरती है। परा उसको कहते हैं जो सीमा में नहीं घिरता, असीम है। असीम से सीमाओं का जगत निकलता है, असीम के जगत से। तो जो इटर्नल है उससे ट्रांजिएंट नेचर पैदा होता है, लेकिन है वही। उस इटर्नल से ही, उस शाश्वत से ही ये क्षणभंगुर, ये ट्रांजिएंट पैदा हुआ। तो देखने का एक अलग दृष्टिकोण हम पैदा करेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसा कृष्ण कहते हैं कि वो परा प्रकृति
उसने ही सब धारण किया हुआ है, अर्थात जो हमारी शाश्वत चेतना है उसने ही पूरे जीवन को, जगत को धारण किया है। आठों तत्वों की जो ये लीला है वो उस परा प्रकृति ने उसको धारण किया हुआ है, यानी उससे वो संचालित है, उसमें शामिल है और सब चीज उसी सक्रियता से चल रही है। देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो नहीं बदल रहा है मैं वो हूँ। तो एक थॉट स्कूल साधना का, एक जो साधना की पद्धति रही है वो कहती है कि तुम ये देखो कि तुम जो जो नहीं हो तुम वही हो, यानी कि जो नहीं बचेगा अंत में तुम वही हो। तुम देखो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो और जीवन का सारा बदलाव तुम नहीं हो। ये पॉपुलर अवधारणा है, ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, प्रसिद्ध अवधारणा है। नेति नेति भी हम इसी में ले लेते हैं, लेकिन इससे इतर मुझे लगता है जो देखना आसान है और जो कि बड़ा ही सरल है और जो कि बिल्कुल सीधे सीधे कहा भी गया है, समझाया भी गया है। गीता के इस श्लोक में भी कृष्ण वही कह रहे हैं कि उस परा ने ही सब कुछ धारण किया हुआ है, तो परा ही सब कुछ है, यानी कि वो जो चेतना है वही सब कुछ है। तो हम देखने में इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि वही चेतना शरीर भी बनी है, वही चेतना विचार भी बनी है, वही चेतना भाव भी बनी है, वही चेतना मेरे अंदर सब कुछ बनी है। उस सब कुछ का कलेक्टिव फॉर्म मेरा होना है और सब कुछ बनने के बाद भी वो सबसे बाहर है, सबसे परे है, क्योंकि उसको सबसे परे होना ही है तभी सब कुछ उसमें शामिल होगा। ये बड़ा नेचुरल है और बड़ा ही आसान है। नेति नेति को पकड़ने में कई लोग बहुत मुश्किल पाते हैं और वो लोग थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड मेंटेलिटी में चले जाते हैं। बात तो वो व्यापकता की ही करेंगे, लेकिन जब तुम बहुत अलग करोगे कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं इससे भी अलग हूँ, मैं उससे भी अलग हूँ, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी धारणा आती है कि जैसे कुछ ऐसा है जो इस सब में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। यूँ तो शामिल नहीं है लेकिन वो उसमें ही है। थोड़ा सा ट्रिकी सा इशू है, शामिल नहीं है उसमें लेकिन वो उसमें ही है। और इसीलिए नवरात्र में मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिया, क्योंकि देवी सूक्तम में यही बात कही गई है कि आदिशक्ति का सारा रूप उसी का है। चाहे तुम्हारे भ्रम हो, तुम्हारा धैर्य हो, अधैर्य हो, शांति हो, अशांति हो, तुम्हारे भीतर की रोशनी हो, तुम्हारे भीतर की छायाएं हो, तुम्हारे भक्ति भीतर की शक्ति हो, तुम्हारे भीतर की कमजोरी हो, वो सब वो देवी ही है, वो आदिशक्ति ही है। जब वही सब है तो इस दृष्टि को लेना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, इसकी ज़रूरत भी क्या है। तुम यही मान सकते हो कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। मैं यहाँ पर समझने जैसा है कि ये मैं परा की तरह से आ रहा है, ट्रांसेंडेंटल नेचर की तरह से आ रहा है। तो अगर मैं वाले कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया जाए, जो कि लोगों को अड़चन करता है कि मैं कैसे हूँ, तो हम सीधे सीधे उसी को देखें कि ये जो शाश्वत है, यानी कि जो परा है, वही सब कुछ है, अर्थात वो चेतना ही सब कुछ है। अगर उसका ही सब फैलाव है तो सब कुछ वही है। हमारे भीतर से अचानक सारे बंधन गिरते हैं, हमारे भीतर तत्वों का जो टकराव है और उनके संघर्ष से जो पैदा हुई हमारे अंदर अशांति है वो सब गिरती है, क्योंकि हम अलग होने की प्रक्रिया में ही तनाव से भरते हैं। अगर वो अलगाव गिरता है तो तनाव भी गिर जाता है, बड़ी सरलता से। तो इस संदर्भ में मैं तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रेफर करूँगा कि हम अपनी सारी होने की जो व्यवस्था है
उसको उस चेतना का रूप ही जाने, उस आदि शक्ति का रूप ही हम जाने, तो हमारा एक एक्सपेंशन है, हमारा एक विस्तार है और उसमें कोई सीमा नहीं, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। जब डिवीजन नहीं है तो कोई अड़चन भी नहीं, और तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर किसी दूसरे के अंदर भी नहीं है। वो अलगाव तुम्हारे अपने तल पर अगर खत्म हुआ तो दूसरे के तल पर भी वो खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि अगर इस अलगाव को मैंने देखा और हमने ये पाया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो वो जो टेंडेंसी हमारे अंदर पैदा होगी अलग होने की, वो एक डिसऑर्डर भी कभी कभी पैदा कर सकती है अगर उसको ठीक से समझा या संतुलन के साथ नहीं ग्रहण किया गया। लेकिन इस तरफ से चलने में असंतुलन की गुंजाइश कम है। जैसे कि जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है उसमें फिर यही बात निकल कर आती है, जब तुम कुछ भी नहीं हो तब तुम क्या हो, तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो, तुम साक्षी हो, तुम बाकी कुछ भी नहीं हो। तो व्यक्ति के अंदर एक द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व ये पैदा होता है कि उसके भीतर दो चीजें हैं, एक चीज है जो साक्षी है और एक चीज है जो साक्षी जिसका वो है, यानी कि कुछ उससे अलग भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम जिसके साक्षी हैं और जो साक्षी है वो तो एक ही है। अगर वो एक ही कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है, इफ़ देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, तो दो कैसे हो सकता है? दो तो नहीं होगा। तो जो बहुत साक्षी में अटकने की कोशिश करता है उसके भीतर एक डिवीजन पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि मैं अपने शरीर को साक्षी होकर देख रहा हूँ, मैं अपने विचारों का साक्षी होकर देख रहा हूँ, मैं अपने भावों को साक्षी होकर देख रहा हूँ, मैं सारे बदलावों को साक्षी होकर देख रहा हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? तुम जो अपने को साक्षी समझ रहे हो, तुम कौन हो? या तो केवल साक्षी ही है। अगर केवल साक्षी है तो कहने के लिए फिर ये बात नहीं है कि मैं साक्षी हूँ। साक्षी इसीलिए घटना है, हैपनिंग है, उसमें मैं साक्षी हूँ या कोई और साक्षी है, ऐसा नहीं है। विटनेसिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट इवेंट है। लेकिन पॉपुलर कॉन्सेप्ट में क्या है, लोगों के अंदर बड़ा उलझाव हो जाता है, मैं साक्षी हूँ तो बाकी अलग हुआ। इसी को ये कृष्णमूर्ति अपने ढंग से बार बार कहते रहे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, जो देखने वाला है और जो देखा गया है वो एक ही है। अर्थात जो परा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, वो एक ही है। जो परिवर्तनशील है, जो अपरिवर्तनशील है, वो एक ही है। अगर हम इस धारणा को समझें और इसको स्वीकार करें तो ये बहुत शांति लाने वाली है। तुम्हारे भीतर विचलित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। शरीर भी उसी चेतना का एक्सपेंशन है, मन भी उसी चेतना का ही एक्सपेंशन है। तुम्हारे अंदर की जो भी व्यवस्था है, अंतर जगत का जो भी सारा घटनाक्रम, बदलाव, रूप, रंग, ढांचा, जो कुछ भी है, सब वही चेतना है। और उसी चेतना में एक गुणधर्म ये भी शामिल है कि वो उससे अलग भी बनी रहती है। ये उसका गुणधर्म है, बट दैट इज साइमल्टेनियस, वो युगपत है, एक साथ है, अलग होकर नहीं है। भारत में इसीलिए कमल के प्रतीक का बहुत उपयोग किया गया। कमल अर्थात उस कीचड़ में खिला है, कीचड़ के ही स्टार को, उसके एसेंस को, उसके फूड को अपने अंदर लेकर वो जीवित हुआ है, खिला है, और उससे अलग भी है, उसके साथ भी है, उससे अलग भी है। अगर अलग है तो ऐसा अलग नहीं है कि वहाँ से उसको काट दो और तोड़ दो तब भी वो जिंदा रहेगा। उसको वहाँ से काटोगे वो ख़त्म हो जाएगा। वो वहाँ पर है और उससे अलग है। तो हमारे अंदर
यहीं पर परा और अपरा प्रकृति का जो सेटल सा एक इशू आता है, जो समझने की जरूरत है कि वो एक साथ है, साइमल्टेनियस है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, और वो एक साथ घटता है, यही उसकी खूबसूरती है। जैसे प्रेम में ये घटना घटती है जिसको महसूस भी किया जाता है, जब तुम प्रेम में होते हो, किसी व्यक्ति के ही प्रेम में हो, समष्टि का प्रेम तो बहुत बाद में आता है, तो तुम्हारे अंदर एक तल पर तो ऐसा घटता है कि जैसे कुछ अपनी सीमाएं तोड़कर घुल मिल गया है और कुछ बिल्कुल अपनी अभी सीमाओं में, यानी अपने जैसा ही है, और जो अपने जैसा है वही महसूस कर रहा है, नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि बहुत जॉयफुल है, पीसफुल है, अच्छा है, और कुछ है जो अब मर्ज हो गया है, कुछ है जो मर्ज हुआ है और कुछ है जो अभी मर्ज नहीं हुआ है और महसूस कर रहा है, वही लोटस की सिचुएशन है भी उसमें और उसमें नहीं भी है। तो हमारे भीतर भी परा और अपरा का ये खेल निरंतर चलता है, ऐसा नहीं कि कभी आठ की सीढ़ी चढ़ने के बाद परा प्रकट होता है। अगर कोई सोचे ऐसे तत्व बनेंगे फिर आठ जब पूरे हो जाएंगे तो परा प्रकृति घटेगी, नहीं, वो तो साइमल्टेनियस हैं, तुम पैदा हुए सारे नौ तत्वों के साथ। और पारंपरिक रूप से जैसे ये आज नवमी है, ये समाप्त होगी आदिशक्ति की साधना, तो पारंपरिक रूप से भी इसमें कमल के पुष्प चढ़ाने की ही परंपरा रही। भगवान राम का दृष्टांत अगर सबको स्मरण होगा तो बड़ा प्रसिद्ध है, और निराला ने इस पर बहुत अच्छी अपनी एक कविता भी लिखी थी, राम की शक्ति पूजा। वो कहते हैं कि 108 कमल लाकर वो राम की शक्ति की पूजा करने के लिए राम तैयार हुए हैं। आखिरी दिन है, नौवां दिन है, उनकी साधना चल रही है, और नौवें दिन उनको 108 कमल चढ़ाने हैं। 108 अगेन अगर जोड़ दिए जाए तो 9 हो जाता है। भारत में 108 का इसलिए भी महत्व है, 108 उसका भी जो न्यूमेरिकल एंड है वो 9 हो जाता है, यानी कि 9 रातें और 9 रातों में 108 कमल। अब पूजा चल रही है, निराला ने उसको बड़ा खूबसूरत लिखा है। वो कहते हैं कि नौवा दिन है, वक्त जा रहा है और राम तल्लीन है पूजा में। देवी बस खेल करती हैं कि आखिरी फूल राम का जो कमल रखा हुआ है, नील कमल से वो पूजा कर रहे हैं, वो देवी उस कमल को उठा लेती हैं, चुरा लेती हैं। राम जब हाथ बढ़ाते हैं तो कमल नहीं मिलता। अब वो बड़े दुविधा में पड़ते हैं, पूजा पूरी होनी है, नौवां दिन है, समापन होना है, पूर्णाहुति होनी है उसकी, आखिरी कमल नहीं, अब कमल लाने का वक्त नहीं। तो वो सोचते हैं कि मेरी माँ मुझको कमल नयन कहा करती थी, मेरी माँ कहती थी कि तुम कमल नयन हो, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं, तो आखिरी फूल के लिए मैं अपना एक नेत्र चढ़ा देता हूँ कमल मानकर। वो बस अपना तीर उठाते हैं, और जब वो तीर उठाकर उसका संधान करने वाले होते हैं तब कहते हैं कि देवी प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लेती, वो कहती हैं राम तुम्हारी पूजा पूरी हुई। ये पोएटिक कहने का अर्थ है कि जब हमारे समर्पण और हमारे भाव की ये पराकाष्ठा होती है तो जो आदिशक्ति की लीला है हम उसके हिस्से हो जाते हैं, और वो हमारे साथ खेलने लगती है, हम उसके साथ जीने लगते हैं, और हमारी जो साधना है वो अपनी पूर्णता में घटती है। पोएटिक डिपिक्शन है ये। और राम को भी अगर हम देखें तो राम भी चेतना का हिस्सा है, देवी भी उसी चेतना का है, सब एक खेल है।
और कमल का प्रतीक बस इसी बात का प्रतीक है कि है भी उसमें और उसमें नहीं भी है। अब अपने नेत्र चढ़ाने का जो प्रतीक आया घटनाक्रम में, वो भी मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत है कि जब साधना पूरी होती है, सिद्धि घटती है, तो दृष्टि ऐसी बनती है कि है भी संसार में और नहीं भी है। दृष्टि है भी पदार्थ में और नहीं भी है, वहाँ है भी और नहीं भी है। सारा का सारा जो अटेनमेंट है, स्पिरिचुअल अटेनमेंट है, या जिसको हम समाधि कहें, वो होने और ना होने का एक गहरा संतुलन। यूं समाधि को कोई समझता है ना होना, इसीलिए लोग कहेंगे कि बस मैं मिट जाऊं। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, तुम कहाँ मिटोगे, कहाँ जाओगे मिटकर, तुम रहोगे ना। मिटना और ना मिटना, होना और ना होना, दोनों का साइमल्टेनियस प्रेजेंट हो जाना, दृष्टि का इस पार और उस पार एक साथ चला जाना, अपरा और परा में एक साथ हमारी प्रज्ञा का फैल जाना, वही समाधि। कहीं अलग से समाधि नहीं है, और वो तो हमेशा से था, बस हमने उसको देखा नहीं था। अगर वो परा ना होती, वो जो परा प्रकृति है जिसने सब धारण किया है, वो ना होती, तो ये आठ तत्वों की सारी लीला भी कैसे होती, वो तो हमेशा से थी। तो इसलिए उसको तोड़कर कभी मत देखें कि मैं ये नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, यानी कि वो जो परा शक्ति है वही सब कुछ है। और जब वही सब कुछ है ये तुम देखते हो, अनुभव करते हो, तो यही मुक्ति है, यही एंड ऑफ साधना है, यही एनलाइटनमेंट है, और यही ताओ है, यही योग का रित है, यही जीवन की परिपूर्णता है। और नौ का जो अंक चुना गया वो भी गणित में इसीलिए चुना गया, भारत वालों ने ये सारी गणित और सब बड़े ही खूबसूरत ढंग से बनाई। नौ का ही अंक ऐसा होता है जो हमेशा नौ ही रहता है, नौ को मल्टीप्लाई नौ से अगर करते जाएंगे तो उसको जब जोड़ेंगे उनके सारे नंबर्स को, हमेशा नौ ही रहेंगे। वो पूर्ण नंबर है, तो नौ का अर्थ है पूर्ण, कंप्लीट। नौ रातें कंप्लीट, नौ तत्व कंप्लीट, अब इसके आगे कुछ नहीं, पूर्णता हो गई। इसीलिए नौ को चुना गया, और मैथमेटिकली भी उसको ऐसे ही क्रिएट किया गया, क्योंकि मैथमेटिक्स भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट को केवल बताने के लिए मैथमेटिक्स तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने ईजाद करी, तो उस कॉन्सेप्ट को इसी ढंग से बनाया गया कि आप अगर उसको देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये पूर्णता की घोषणा है। नौ रातें उसका अंत पूर्णता की घोषणा है कि अब पूर्णता घट गई। इसी के बाद विजयदशमी, विजयदशमी पूर्णता का ही सेलिब्रेशन है, तो पूर्णता घटी उसी का सेलिब्रेशन है। मेरे कहने से अपने को पूर्ण मान लें और वैसे ही जीना शुरू कर दें, और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में जिए कि अनंत सिंह ने कहा था पूर्ण, लेकिन मैं अपने को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये डाउट ना करें कि अनंत सिंह ने गलत कहा था। तब दो चीज़ें होंगी, आप इसको जिए कि उन्होंने कहा था तो सही कहा है, मैं पूर्ण होऊंगा, लेकिन मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं पूर्ण। तो एक आध हम लोगों के सेशन और होंगे, और आपके भीतर जो दबाव पैदा होगा वो सारे नौ तत्वों को खींच कर पूर्ण बना देगा। तो आज के दिन अपने ध्यान में, पाठ में, सब में गुजरेंगे और इसी भावदशा में रहेंगे, पूर्ण हूँ। अपूर्ण होने का तो कोई उपाय ही नहीं। क्या है अपूर्ण होने का उपाय? लोग कोशिश करते हैं कि मैं पूर्ण हो जाऊँ एक दिन। गुरुओं ने भी उनको ऐसा कंसेप्ट पकड़ा दिया है कि तुमको एक दिन पूर्ण होना है,
और उपनिषद यही कह गए कि वो पूर्ण है, उसी से निकालोगे सब कुछ, फिर भी वो पूर्ण ही बचा रहेगा। तो ये एक स्यूडो कॉन्सेप्ट गुरुओं ने पकड़ा दिया कि तुमको पूर्ण होना है, तुम अपने अधूरेपन के साथ भी पूरे ही हो। तो सिंपली एक्सेप्ट योर एब्सोल्यूटनेस, अपनी परिपूर्णता को स्वीकार कर ले, और फिर ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, यानी कि ब्रह्म जैसी चर्या जो परिपूर्ण है तो वैसे ही जिए। कोई एक्सक्लूजन नहीं, किसी चीज़ को बाहर काटना, फेंकना, छांटना नहीं, सब कुछ वही है। और जब तुम देखोगे सब कुछ वही है तो कितनी अलग किस्म की सेंसिटिविटी आएगी, कितनी अलग किस्म की विजडम आएगी। अगर तुम अपने शरीर को भी अलग समझने लगोगे तो तुम दूसरे के शरीर को भी अलग समझने लगोगे, और जो अलग है फिर उसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और अगर तुम ये मान के चलते हो वही सब कुछ है, वही आदिशक्ति, वही चेतना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म का सौंदर्य आएगा, एक अलग किस्म की संवेदनशीलता आएगी, और स्पिरिचुअल सर्कस के तुम हिस्से नहीं रह जाओगे जो तुमको कहती है कि तुमको एक दिन पूर्ण होना है। तुम बस ये कहोगे कि भाई देखो पूर्ण तो हूँ, कोई संशय नहीं इस बात में, अब बस ये कहीं से अटका है कि ये इल्यूजन अभी नहीं जाता कि क्यों नहीं हूँ, ये एहसास क्यों नहीं होता, तो वो भी मिट जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से मिट जाता है, कोई खास बात नहीं। इसको मान कर जीना शुरू करें, सब शुभ है, और फिर नवरात्र की जो साधना है वो अपनी पूर्णाहुति को पहुँच जाती है।